प्रेजेंटेशन लिया है कि अपने अपने प्रदेश की जो पुलिस व्यवस्था है, अपने प्रदेश की छवि सबसे पहले पुलिस फोर्स से बनती है। अभी वरिष्ठ अधिकारियों से यही मैंने चर्चा करी है कि किस प्रकार मध्य प्रदेश की छवि बने, और इस छवि में पुलिस का सबसे बड़ा रोल रहता है। हर विभाग, पुलिस के हर विभाग की जानकारी मैंने ली है और मैंने कहा है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि एक प्रेरित फोर्स होना चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे कांस्टेबल तक। अगर ये इंस्पिरेशन ना होए, प्रेरणा ना होए, उनमें वो जोश ना होए, ऊपर ना होए, तब नीचे तक नहीं पहुंचता। ये आज हमारी प्राथमिकता है। और कि कई ऑफिसर जो हैं 7 साल से एक जगह टिके हुए हैं, कोई 5 साल से एक जगह टिका हुआ है, ये प्रथा मैं समाप्त करना चाहता हूँ। यही मैं डीजी साहब से कल भी चर्चा करी थी कि ये करा जाए, और जिसकी क्षमता है उस आधार पर हम सबको पोस्ट करें। ये नहीं कि मैं इसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये सब कम पसंद करते हैं। तो ये करके मैंने एक संदेश दिया कि ड्रग्स और सट्टा में बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होगी, ज़ीरो टॉलरेंस, ये पूरी कार्रवाई करी जाएगी। ये ड्रग्स और सट्टा का जो है, ये हमारा पहला कदम है। इसके बाद दूसरे कदम होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस फोर्स में एक नई ऊर्जा और एक नई प्रेरणा उत्पन्न होगी। समय समय पर मैं इस प्रकार की ब्रीफिंग देता रहूँगा, क्योंकि पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ कम्युनल टेंशन की, हमारी प्रदेश की जो विभिन्नता है, हमारे प्रदेश की जो अनेकता है, इस सब को नज़र में रखते हुए हम उस दृष्टिकोण से तब टेक्निकल एडवांसमेंट के लिए मैं एक अलग प्रेजेंटेशन करूँगा कि हमारी जो पुलिस फोर्स है बिल्कुल मॉडर्न होनी चाहिए।